Hello everyone, myself Dr. Aditya Gupta. In this video, I wanted to address uh, how do you manage your time as far as your need uh, UG is concerned and your school and coaching is concerned. <laughs> coaching bhi A lot of you keep on asking me how, how did I crack AIMS in the first attempt at the same point that time I was going to school. Uh, yes, I did regularly attend school. My school is AFOS Golden Jubilee Institute in Delhi, if anybody wants to know. I got 95% in Boards as well and I got All India Rank 10 and All India Rank 6 in my AIMS and EIPMT exam.

बिकॉज मैंने टाइम निकाला थर्टी इन द मॉर्निंग आई टेल यू माई नॉर्मल शेड्यूल हाउ यूज टू मैनेज मेरे सैटर्डे संडे कोचिंग क्लासेज होती थी एंड मंडे टू फ्राइडे स्कूल होता था सिक्स थर्टी इन द मॉर्निंग आई वेकअप सेवन ओ क्लॉक बस पकड़ता था आधा घंटे में तैयार होता था नहाता था धोता था जड़े वेट बस सेवन ओ क्लॉक वॉज द बस माई बस यू स्टॉप मी एट स्कूल एट सेवन थर्टी फाइव पैंतीस मिनट गप्पे लगाने जरूरी नहीं है अपने दोस्तों से इट्स नॉट नेसेसरी You Can say hi to them, talk to them for five minutes. I used to study. I used to open up my NCRT and I used to read bio NCRT. Why do you think I remember bio NCRT? Even now, I actually remember my bio NCRT because I read it day after day after day in that bus again and again and again. At 7:35, my bus used to drop me at school, and 8 o'clock assembly used to start. What do you think I used to do in that 25 minutes?

अपनी कमियों को भी अपना हथियार बनाया सिंस आई वॉज अटिक आई यूज टू फेक साइन दैट डो नॉट अलाउ मी टू गो टू असेंबली डू असेंब्ली नॉट यूज टू गो टू असेंबली स्टे बैक इन माई क्लास एंड स्टडी असेंबली यूज टू गेट ओवर एट एट थर्टी एट थर्टी नाइन ओ क्लॉक क्लास होती थी ठीक है क्लास मैंने सुनी फिजिक्स की थी केमिस्ट्री की थी बायो की थी एंड आई यूज टू एक्चुअली लिसन वाई बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम दे आर टीचिंग यू फॉर एनसीआर टी आर टीचिंग वॉट एनसीआर टी एंड द टीचिंग यू फॉर बोर्ड्स तो बोर्ड्स की पढ़ाई उस आधे घंटे में करो चाहे वो नो नोारा हाउ बैड योर टीचर इज ट्राई टू अंडरस्टैंड वट शी इज ट्राइंग टू स्पीक ओकेफ पुट कंसन्ट्रेशन फाइव परसेंट टेन परसेंट ट्वेंटी परसेंट बट एटलीस्ट उतनी पढ़ाई तो हो रही है तुम्हारी बोर्ड्स की हो गई टीचर चली गई टीचर चली गई नेक्स्ट टीचर इज टेकिंग, इज नॉट कमिंग इन टू थ्री मिनट्स नॉट कमिंग इन फाइव मिनट्स टेकिंग टाइम एन सी आर टी बैक ऑन द टेबल बाय एन सी आर टी बैक ऑन द टेबल एंड आम रीडिंग दट चैप्टर, वट एवर आई वॉज रीडिंग अगैन टाइम वेस्ट नहीं करना है एंड यू ऑब्वियसली गेस्ट कि मैं ब्रेक के समय भी पढ़ता था I remember कि मैं I was when I was in MBBS and in MBBS में I became a much different guy so थोड़ा सा different हुआ था I used to manage my time you know मैं enjoyment भी बहुत करता था बहुत travel करता था but उस समय somebody एक introduce में आया यार ये बंदा ना break में भी पड़ता था but मैं उस introduction से बुरा नहीं माना था I went to meet some of my friends from school uh, in third year of my MBBS and he introduced me hi he's a names and ये अपने break में भी पड़ता था but the fact is because I used to study in breaks also is the reason I'm am in aims। तुम कर पाओगे इतनी इतनी शिद्दत है इतनी मेहनत की लगन है तुम में मुझे तो नहीं लगता एक तो ऊपर से मृणाल को टेरिंग ने बोल दिया चार घंटे पढ़ के एम्स निकल जाता है तो आधे लोगों का दिमाग उससे खराब हुआ हुआ है भाई नहीं निकलता वो सुपर जीनियस होगा तुम नहीं हो मैं नहीं था एंड नाइन्टी परसेंट लोग जो एम्स में होते हैं नहीं होते मेहनती होते हैं दे वर्क हार्ड एंड लेट मी टेल यू टैलेंट विल गेट डिफीटेड बाय हार्ड वर्क वेन टैलेंट वर्क हार्ड हार्ड वर्क विल ऑलवेज बी बीट टैलेंट हार्ड वर्क विल ऑलवेज बीट टैलेंट सो गेट इन दू दैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड इंग्लिश का पीरियड होता था बंक करता था एंड बंकर मैं कहा जाता था स्कूल की लाइब्रेरी इवन नो बड़ी विल एवर इमेजिन पीपल थिंक विल गो डू प्ले ग्राउंड या छुपा छुपी मिली गर्लफ्रेंड के साथ घूमेगा आई सू गो डू लाइब्रेरी सो नो बड़ी सो सस्पेक्ट की बंक हो रहा है एंड अगेन वॉट डू वॉट स्टडी वन थर्टी स्कूल खत्म हुआ वन थर्टी स्कूल के बाद जब वापस आया दो बजे तक तो क्या किया बस मैं फिर से पढ़ाई की दो बजे आके थोड़ा बहुत यू नो वो किया गया किया, किया खुद को खाना खाया टू अगेन स्टार्टेड फॉर टू आवर्स एंड सिक्स अगेन पर्सन विल स्टार्ट टू स्टडी एट सिक्स इन मैं सिर्फ चार या पांच घंटे पढ़ पाता हूं मुझसे एम्स कैसे निकलेगा भाई तुम्हारे पास 24 घंटे हैं दिन के तुम निकालना चाहो तो उन 24 घंटे में से 10 घंटे निकाल सकते हो एंड दिस इज द वे आई यू टू स्टडी टेन आवर्स इन ईच डे इवन वाइल गोइंग टू स्कूल पाँच दिन स्कूल होता था 75 फाइव परसेंट अटेंडेंस है आय स्किप वन डे प्लेन एंड सिंपल दिमाग नहीं लगाना एट्टी अटेंडेंस भी रहेगी मोर देन एट्टी परसेंटेंड से एक दिन स्कूल का स्किप भी हो जाएगा दैट डे आई विल मेक श्योर दट आई स्टडी फोर्टीन टू सिक्स आवर्स इन अ डे एंड आई यूज टू गो टू आकाश एट टू फोर होता था हमारा आकाश हमारी जो कोचिंग होती थी फोर ओ क्लॉक आई कम बैक ऑब्वियसली आकाश बहुत इंटेंस होता है आकाश की ब्रेक में भी पढ़ने की कोशिश करता था एंड दस द सेकेंड आई यूज़ टू कम बैक अगेन आई यूज टू स्टडी लाइक ए सेट इफ यू सिंगुलरली डेडिकेट योर लाइफ वन ईयर ऑफ योर लाइफ नॉट इवन टू वन ईयर ऑफ योर लाइफ टू द सिंगुलर गोल्स दिल्ली एवरी थिंग विल बी इजी यार तुम तो मेहनत करके तो देखो तुम तो मेहनत करना नहीं चाहते सच्चाई ये है तो मेहनत करके देखो टाइम मैनेज हो जाएगा तो मेहनत करके देखो हर हर चीज आसान हो जाएगी फिजिक्स सॉल्व नहीं हो रही इज द लाइक आई सेड इन द लास्ट वीडियो द मोस्ट रिडिकुलस थिंग एक क्वेश्चन ही सॉल्व हुआ दूसरा करो यार तीसरा करो चौथा करो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट इफ यू आर नॉट गेटिंग इन टू टाइम्स डू इट ट्वेंटी टाइम्स यू आर नॉट गेटिंग इन ट्वेंटी डू इट टू हंड्रेड फॉकिंग टाइम्स बट यू विल गेट इट राइट आफ्टर दैट ready to put in the efforts if you're not ready to put in the efforts it's 16 lakh students trying to get those 50 seats you won't you really won't if you're not a genius there will be two three geniuses who will be there in aims definitely but i can tell you i've been in this institute for nine 10 years now i joined aims back in 2012 2022 i joined in july 2020 2012 and those ten years, I have not seen more than five to ten percent of a batch being the true genius who can crack in just three, four, five hours of study. Most of them, including me, studied hard to get where we are. And let me tell you, it's absolutely worth it. Those five and a half years of my MBBS, of my at aims New Delhi, were heaven. And like I said in the last video, if you want to get into heaven, you, be, you should be prepared to die for that. तुम इतनी मेहनत करो यार कि मेहनत थक तुम तुमके बोले तुम्हें बोले कि बस कर मेहनत करना यार तुम इतनी मेहनत करो कि नींद तुम्हें बोले कि बस कर ले जा यार यार अब यार। वो कहते हैं ना तुम किसी चीज को अच्छे पूरे दिल से चाहो ना पूरी कायनात तुम्हें मिलाने में लग जाती है वो पूरे दिल से चाहना नहीं होता उसके लिए मेहनत करोगे ना तो पूरी तुम्हें उसे मिलाने में लग जाएगी तो इतनी मेहनत करो यार कि तुम्हारा हर जर्रा जर्रा बोले एम्स दिल्ली तो कैसे नहीं होगा यार तुम्हारा एम्स दिल्ली इतनी मेहनत करो कि तुम्हारे शरीर का हर एक अंश बोले कि मैं पहुंचूंगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली तो तुम कैसे नहीं पहुंचेगे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली तो ये था मेरा शेड्यूल जिसकी वजह से मैंने एम्स क्रैक किया था थैंक यू एंड नाइस डे